Hello everyone, welcome you all to my channel, myself Niharanjananda. In this video, we are going to discuss the question answer of the poem Ballad of Father Gilligan. We have already completed the explanation video of this poem. If you want to watch this video, then go to the description box and click the link and watch the video. तो ये प्लस टू सेकेंड पिलामान को सेकेंड पोएम द बालाड ऑफ फादर गिलिगन रो क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करिबा. सो देन लेट्स स्टार्ट. तो ताहले पिलामान एबे आमे बालाड ऑफ फादर गिलिगन जो चैप्टर अछि तार हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा. तो तार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया पूर्वरु फर्स्ट हम द बालाड ऑफ फादर गिलिगन जो पोएम अछि जोडा तुम सेकेंड पोएट्री सेटा प्लस टू सेकेंड डे पिलामानंकर. तो तार वर्ड मीनिंग फर्स्ट देखि नबा तापर हमें क्वेश्चन आंसर देखिबा. ठीक अछि जार वर्ड मीनिंग दरकार भी तुम एठू लिखि नै पारिबो. ओ एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी मु डिस्क्रिप्शन दे छि ता लिंक तुम क्लिक कर देखि पारिबो. तो फर्स्ट देखिबा प्रीस्ट. प्रीस्ट माने होची पुजारी. फ्लॉक. फ्लॉक माने हला दळ. देन वेरी. वेरी माने क्लांत टायर्ड. ओके एडी जो फ्लॉक कहै छि पिलाने फ्लॉक माने होची पीपल. फ्लॉक माने होची पीपल और द पॉरिश लोकेलिटी माने चर्च संलग्न अंचल लोक मान गुड़ी फ्लॉक बोली कहुई. ओके हाफ ऑफ फ्लॉक्स माने दल अधा लोक. इन देयर बेड्स. इन देयर बेड्स माने कौन ना असुस्थ हो पड़े माने मृत्यु सज्जार पड़ते ता अर्थ. देन ग्रीन शॉर्ट्स ले. ग्रीन शॉर्ट्स ले रो मीनिंग कौन कबर में सही रही. ग्रीन शॉर्ट्स ले मीन्स ब्यूरीड अंडरग्राउंड. ब्यूरीड अंडरग्राउंड लिखि नहीं पार पिला माने एटा मुझे निजे लिखिनी एटा मत टाइपिंग कर पड़ा. आमर ऑलरेडी टीम मेंबर्स अच्छा से मैंने कौन करते मुझे जहाँ कही थे टाइपिंग कर दिखती. तो से इंग्लीश मीनिंग मेनसन करना. तो ग्रीन शॉर्ट्स लेयर मीनिंग हूँ ब्यूरीड अंडरग्राउंड. ठीक अच्छे कबर में सही रही. देन नॉडेड ऑन ए चेयर. चेयर बस ढोलवा. देन मोथ आवर ऑफ इफ. मोथ आवर ऑफ इफ मैंने गधूली समय. डस टाइम. द टाइम बिफोर इवनिंग. संध्यार संध्या हबार पूर्ववर्ती समय जिते झापसा अंधार थाए ताकु डस्क टाइम बोली कहुए. गधूली समय तो मोथ आवर को गधूली समय बोली कहते डस्क टाइम बोली कहुए. ठीक अच्छे. देन सेंट फॉर हिम. सेंट फॉर हिम माने कौन ना डकई पठेले. सेंट फॉर हिम. ओके देन बिगन टू ग्रीफ. बिगन टू ग्रीफ मीन्स बिगन टू कम्प्लेन. प्रतिवाद करवा अभियोग करवा प्रतिवाद करवा. बिगन टू ग्रीफ अर्थ हो बिगन टू कम्प्लेन. बट ये ग्रीफ रो एक्चुअली मीनिंग हूँ दुख प्रकाश करवा. टू एक्सप्रेस सोरो. बट हियर एटि कितु कौन हम बिगन टू ग्रीफ रो मीनिंग हो बिगन टू कम्प्लेन अभियोग करवा प्रतिवाद करवा. ठीक अच्छे. देन पीस. पीस रो मीनिंग तुम जान शांति. देन क्राइड ही. से कहले गॉड फॉरगिव. हे ईश्वर क्षमा कर दि. तार मीनिंग बॉडी स्पेक. बॉडी स्पेक माने कौन बॉडी स्पॉक ये कहुई मो क्लांत शरीर. बॉडी स्पॉक मैं क्लांत शरीर कहुची. ओके देन नॉट आई. मु एक कथा कहूनी. देन नेल्ट. आउट वर्ड इट स्पॉक कहला बेले पिला माने कहुची आमे गुटे वर्ड पढ़ते स्पेक. एसपीए के पढ़ते. ए स्पेक रो मीनिंग हूँ स्पॉक. ये गोटे ओल्ड इंग्लीश वर्ड यूज है तुम पोएट्री यूज होता स्पेक अच्छी. तो स्पेक रो एक्चुअली तार जब आम देखा एक्चुअली स्पेक जो रोचे तो से स्पॉक तार मीनिंग हूँ स्पॉक. ओके माने पास्ट. पास्ट टेंस ऑफ स्पीक. स्पीकर पास्ट फॉर्म. तो ओल्ड इंग्लिश रे स्पॉक. स्पॉक स्थान रे कौन यूज करते स्पेक यूज करते. ओके देन नॉट आई. नॉट आई माने मु एक कथा कहूनी. नॉट आई माने मु एक कथा कहूनी. तो नेल्ट. नेल्ट माने आंठी प्रार्थना करते. आंठू माड़ी बसिकी प्रार्थना करवा. लिनिंग. लिनिंग माने हूँ आउजी पड़ा. देन फेल एस्लीप. फेल एस्लीप मैंने सोई पड़िले. देन वेंट फ्रॉम द फील्ड. वेंट फ्रॉम द फील्ड माने कौन ना अपसरी जीव. वेंट फ्रॉम द फील्ड अपसरी जीव. ये क्षेत्र अपसरी जीव कथा कहुई. तो वेंट फ्रॉम द फील्ड मैंने अपसरी जीव. देन बिगन टू पीप. बिगन टू पीप मीन्स बिगन टू अपीयर. उंकी मारिबा दृष्टिगोचर हबा जमी आकाश स्टार्स मैंने कौन करती. बिगन टू पीप दृष्टिगोचर हूँ उंकी मारती. ठीक अच्छे. देन मिलियंस ग्रियो. मिलियंस ग्रियो माने कौन न्यूत न्यूत संख्यार बढ़ी चलिया. मिलियंस ग्रियो माने न्यूत न्यूत संख्यार बढ़ी चलिया न्यूत न्यूत संख्यार देखा दे कहुई. देन सुक इन विंड. सुक इन विंड माने कौन ना पवन में दहलवा. सुक इन विंड. मूव इन विंड. विंड मूव करवा. देन कवर दि वर्ल्ड. दुनिया को घोड़े रखा. कवर दि वर्ल्ड माने कौन दुनिया को ढांकी रखा घोड़े रखा. देन विथ सेड.
आउ तुम आम बुक पढ़ला बेले थिला विथ सेड, विथ सेड मीन्स विथ डार्कनेस, माने अंधार रे, अंधार रे विथ डार्कनेस, विथ सेड मीन्स विथ डार्कनेस अंधार रे। देन व्हिस्पर्ड, व्हिस्पर्ड रे मीनिंग होची अस्पष्ट स्वर रे कहिले व्हिस्पर्ड, और टू स्पीक इन ए लो वॉइस, कि लो वॉइस रे कि लो टोन रे कहिबा व्हिस्पर्ड। देन मैनकाइंड, मैनकाइंड माने कौन ना मनीष समाज। देन स्पैरोचार्प, स्पैरोचार्प माने घर चटियार किचिरी मिचिरी शब्द, स्पैरोचार्प। तो स्पैरोचार्प टाइम बोली पिला माने पोएम रे मेंशन थिला, स्पैरोचार्प टाइम माने को टाइम डे जो टाइम रे घर चटिया राबो करथाय, माने डॉन टाइम, प्रत्युष समय, डी ए डब्ल्यू एन, डॉन टाइम। ओके, तो डॉन टाइम कथाटी कहा स्पैरोचार्प, प्रत्युष समय कथा, बट स्पैरोचार्प माने घर चटियार किचिरी मिचिरी शब्द। देन मोथ्स केम वान्स मोर, सकाळ हला कीट पतंग माने उड़िले, मोथ, मोथ केम वान्स मोर मीनिंग हो सकाळ हला परे माने पुनी थरे कीट पतंग माने जो उड़ंती ताको कहा होची मोथ केम वान्स मोर, पुनी थरे पक्को माने आसीबा आरंभ कले, केतेले माने मोथ माने उड़ंती माछी उड़िबा समय दीटा थे, पक्को उड़िबा समय दीटा थे, गोटे होची डस टाइम, आउट होची डन टाइम, डस टाइम माने गधुली समय, आउट होची डन टाइम, डन टाइम माने कोउटा जोटा प्रत्युष उषा समय, द टाइम बिफोर सनरइज, सनरइज करार पूर्व समयटा, ठीक अच्छे। देन स्टूड अपराइट, हठात छिड़ा होगा। ओके, देन माभ्रण, माभ्रण मीन, माभ्रण जो वार्ड यूज होता है मुझे तुमको एक्सप्लेनेसन भिडियो ये इरीस वार्ड माभ्रण, जार मीनिंग हूँ आल्स, ठीक अच्छे, बा दुखद अभिव्यक्ति। देन स्लेप्ट ऑन द चेयर, चेयर में सोई रहिले। देन राउज्ड हिज हॉर्स, राउज्ड हिज हॉर्स मीन्स अवेकेंड हिज हॉर्स, घोड़ा को निदर उठेले। देन रोड विथ लिटिल केयर, जोर घोड़ा दौड़े, रोड विथ लिटिल केयर, केयर माने कौन विदाउट एनी केयर राइडिंग करिबा, बिना कौन से खातिर रे घोड़ा चलेबा। देन नेभर रोड, नेभर रोड माने केमिति केबे भी एमिति घोड़ा चले नथिले ताको हछि नेभर रोड। देन रॉकी लेन, रॉकी लेन माने पहाड़िया रास्ता। देन सिक मैन्स वाइफ, असुस्थ लोकर स्त्री, सिक मैन्स वाइफ माने कौन ना असुस्थ लोकर स्त्री। देन ग्रीफ, ग्रीफ माने होछि दुख। देन स्वेड, स्वेड माने हला थरिले। देन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो माने एपट सेपट हवा, मूविंग हियर एंड देयर, टू एंड फ्रो। देन यू आर गन, तुम्हें चली गल, यू आर गन। देन टर्नड एंड डाइड, बुली पड़े और मरीगले। मेरी आज ए बार्ड, पक्षी भली खुशी रे, मेरी आज ए बार्ड गोटे एक्सप्रेशन थिला तार अर्थ कौन ना पक्षी भली खुशी रे। देन अच्छी नेल्ट आर दैट वर्ड, से कथा शुणी आंठे प्रार्थना कले। देन मेड द नाइट ऑफ स्टार्स, तार आकाश मान को जी गढ़ी मेड द नाइट ऑफ स्टार्स। ओके, माने अंधकार रात्रि तारक मान को जी तैयारी करछन्ते मेड द नाइट ऑफ स्टार्स कथा को हम बुक रे पढ़ी थिबो, एक्सप्लेनेशन वीडियो रे कहाई थिला। देन सोल, सोल माने होचे आत्मा बा व्यक्ति। देन टायरेंट ब्लीड, टायरेंट ब्लीड माने क्लांत रक्तक्त। देन ग्रेट एंजल्स, ग्रेट एंजल्स माने कौन ना महान देवदूत। देन सेंट डाउन, सेंट डाउन हला मृत्यु को पठान्ति। देन हेल्प मी इन नीड, हेल्प मी इन नीड माने आवश्यक बेले साहाज्य करिबा। देन राफ्ट, राफ्ट माने हला घोड़ेले, घोड़ेला। ओके, राफ्ट टू कवर, राफ्ट मीन्स टू कवर्ड। देन पर्पल रब्स, पर्पल रब्स माने नील लोहित रंगर कपड़ा, रे लोहित प्लान लिखाई छै डाफ नील लोहित रंगर कपड़ा, पर्पल रब्स माने नील लोहित, एटा मिस्टेक जे टाइपिंग करथिले से मिस्टेक कर देथु नील लोहित। ओके, पर्पल रे मीनिंग कोन नील लोहित। देन प्लानेट्स इन हिज केयर, प्लानेट, प्लानेट्स इन हिज केयर माने तांको तत्वावधान थिबा ग्रह नक्षत्र, प्लानेट्स इन हिज केयर माने तांको तत्वावधान थिबा ग्रह नक्षत्र। देन पिटी, पिटी मीन्स काइंडनेस, दया बा करुणा। देन लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट, लिस्ट ऑफ थिंग्स माने क्षुद्र जीव बा क्षुद्र जिनिष। ओके, देन पिलाने हम देखो वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गला। तापर आमर अच्छी बैलेड ऑफ फादर गिलिगन रो समरी, टोटल पोएम समरी भी ये अच्छी मुझे से समरी पढ़ूनी जे ए पीडीएफ को डाउनलोड कराया चाहूँगी जो वार्ड मीनिंग अच्छी समरी अच्छी विथ क्वेश्चन आंसर अच्छी तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी तो तुम्हें डाउनलोड भी करने पार जदि कार किसी प्रोब्लेम हो तुम्हें मत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। ओके, आउ गोटे कथा देखने पे देखिकी लिखवाटा बेस्ट हम तुम्हें कौन पर ना ये जो डाउनलोड करा परचेसींग कर पड़ो कौन पर पीडीएफटा अलरेडी आमर जो वेबसाइट रोचे से वेबसाइट हिंट दिज्व तो जो मैंने डाउनलोड करने ट्राए कर तुम 10 rupees देखिए परचेस कर पड़ बट तुम जो भिड देख फ्रिली तुम देखी नहीं पार। ओके,
डाउनलोड करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। तो देखो पिला माने एबे हम बालाड ऑफ फादर गिलगन रो क्वेश्चन आंसर देखिबा। तो बुक रो संस्था को इनविटेशन टू इंग्लिश 1 बुक रे तुम्हार फर्स्ट क्वेश्चन अछि, बुक रो फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाई वाज फादर गिलगन वेरी, वाज ही ओनली टायर्ड फिजिकली और ऑल्सो एग्जॉस्टेड मेंटली। जे फादर गिलगन काहेकि टायर्ड थिले, वेरी मीन्स टायर्ड, काहेकि अत्यधिक क्लांत होइथिले, जे से फिजिकली टायर्ड थिले केवल कि ना से मेंटली मध्य टायर्ड थिले। तो जस्टिफाई आंसर विथ एग्जाम्पल फ्रम दि पोएम, तुम्हार आंसर को जस्टिफाई कर बोली क्वेश्चन कराई। तो तार आंसर हे फादर गिलगन वाज वेरी बिकज हाफ ऑफ हिज फ्लॉक वर इन बेड और इन ग्रेव। कौन पाईना अधा लोक बेड्रे पड़ते कि ग्रेव्रे थे, बेड्रे मैंने कौन ना सजारे पड़ते, ठीक अच्छे, मान कि लोक बिछण से पड़ते आउ कि लोक मृत्यु कि लोक मृत्यु हो सारी मैंने ग्रेव, ग्रेव मैंने कौन समाधि कि आउ कि लोक समाधि थे। ए नंबर ऑफ पीपल आर डाइंग एंड ही हैड टू अटेंड देम ऑल। तो बहुत जन लोकर डेथ होता, बहुत जन लोक मरी जाते समस्त को अटेंड करा पड़ा, जेहेतु से जन फ्री प्रिस्ट थे जन पूजारी थे तेणु सबू लोक अटेंड करने को पड़ा, ठीक अच्छे। हि वाज फिजिकाली टायर्ड आउ से शारीरिक भाव क्लांत हो जाते। हि सेज आई हाव नो रेस्ट नर जय नर पीस। तो से कहती से कथा कही पय मैंने पढ़ी आई हाव नो रेस्ट नर जय नर पीस, जो मोर विश्राम ना आनंद ना कि शांति ना बोली से कही। देन पे सेकेंड क्वेश्चन थी तुम बुक सेकेंड क्वेश्चन थी व्हाई डिड ही सिक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। से कहीं भगवान पाखरु माफी चाहते, कौन पाई से भगवान पाखरु क्षमा प्रार्थना मान क्षमा प्रार्थना करते भगवान को कहीं। व्हाट टाइप ऑफ मैन डज दिस प्रूव टू हिम। ये कौ प्रकार लोक बोली प्रमाणित करुच्ची, ठीक अच्छे, से भगवान पाखरु कहीं क्षमा प्रार्थना करते आउ ये कौ प्रकार लोक भाव प्रमाणित करुच्ची। तो तार आंसर हम हि सॉट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर स्टेटिंग दैट ही एंजॉयड नो रेस्ट नर जय नर पीस फॉर अटेंडिंग द सिख हु डाय एंड डाय। तो आम लिखा कौन हि सॉट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, सिख रड़ी कौन हो वी टू वी थ्री फॉर्म जानते सॉट होता है। तो से भगवान क्षमा प्रार्थना चाहते कौन पाई ना फॉर स्टेटिंग एक दर्शाई थवे फॉर स्टेटिंग दैट एक दर्शाई थवे हि एंजॉय नो रेस्ट नर जय नर पीस फॉर अटेंडिंग द सिख हु डाय एंड डाय। जे से सिख बा से रोगीण लोक मान से अटेंड करी जो मैंने जो रोगीण लोक मैंने केवल मरुंच मरुंचू अटेंड करी से पूरा टायर्ड होती रेस्ट ना आनंद ना कि शांति ना बोली से कौन करते दर्शाई थे एक से कही। तेणु से भगवान पाखे क्षमा प्रार्थना कले। एगेन कह पे मैंने हि सॉट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर स्टेटिंग दैट हि एंजॉयड नो रेस्ट नर जय नर पीस फॉर अटेंडिंग द सिख हु डाय एंड डाय। जे से भगवान पाखर क्षमा प्रार्थना करते कारण से कथा दर्शाई थे से कथा कही शांति ना विश्राम ना कि आनंद मध्य ना से रोगीण लोक मान अटेड कर जो मैंने हिं केवल मरुंच मरुंच। ओके, ही हैड स्पोकन आउट दीज वर्ड्स आउट ऑफ फिजिकल टायर्डनेस। ही हैड स्पोकन आउट दीज वर्ड्स आउट ऑफ फिजिकल टायर्डनेस नॉट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। हेले से जो कथा गुड़ा को कही थिले ही हैड स्पोकन आउट दीज वर्ड्स से शब्द गुड़ी को कही थिले आउट ऑफ फिजिकल टायर्डनेस जे शारीरिक क्लांति कारण कही थिले नॉट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क कि ता कारण नुहे जे से काम करने को चाहुन थिले किंतु से काम करने को चाहुन थे ता नुहे किंतु से शारीरिक क्लांति जो एक कही, ठीक अच्छे। दिस प्रूव्स हिम टू बी ए मोस्ट ड्यूटीफुल एंड रिलीजियस मैन। या द्वारा से जड़े ड्यूटीफुल कर्तव्यपरायण एवं धार्मिक लोक थिले बोली प्रमाणित हुए, ठीक अच्छे। तो पे क्वेश्चन नंबर थ्री देखा जो मैंने ये वीडियो को परचेस करा चाहूँ ओनली 10 रुपीज लगे डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे क्लिक करके ये टोटल जो पीडीएफ अच्छे तुम परचेस कर पार बट तुम चाहिए एठ देखिकी भी लिखि नहीं पार परचेस करार किसी आवश्यकता ना। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे अच्छी देख जो मैंने फ्री में या पाइबा चाहूँ मतलब मोर मेल आई डी दिखाई डिस्क्रिप्शन में मतलब मेल कर मुझ फ्री में मेल सेंड करदेवी। ओके, परचेस करा पड़ोनी जो मैंने परचेस कर पार्बन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर थ्री थी हाउ वाज द नाइट पीसफुल एंड क्वाइट और टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस।
ब्रिंग आउट एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। तो रात्रि केमती थिला? पीसफुल थिला, क्वाइट थिला, टर्बुलेंट थिला, रेस्टलेस थिला, केमती थिला राति? ब्रिंग आउट द एक्सप्रेशन फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। एवं तुम जो आंसर दबो ताकु सपोर्ट करने पोएम रु किसी एक्सप्रेशन मेनसन कर बोली कहुई। ठीक अच्छे, तो आम आंसर लिखा कौन? द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट। जो राति थिला से शांतिपूर्ण थिला और नीरव थिला। जो राति थिला से शांतिपूर्ण आउ नीरव थिला। द एक्सप्रेशंस सच एज, जो एक्सप्रेशन गुड़ाक जमती कि पीप, स्लोली, सेड, ह्विस्पर एंड स्पारो चार्प सपोर्ट आवर आंसर। ये जो एक्सप्रेशन गुड़ाक आमर आंसर को सपोर्ट करुच्छी। कौन से एक्सप्रेशन? गोटे हूँ पीप, स्लोली, सेड, ह्विस्पर, स्पारो चार्प, एगुड़ाक आम उत्तर को सपोर्ट करुच्छी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखिए आम क्वेश्चन नंबर फोर अच्छी। व्हाई हाज द नाइट बीन डेस्क्राइब्ड सो। व्हाई हाज द नाइट बीन डेस्क्राइब्ड सो। रात्रि को कहीं एमती डेस्क्राइब कराई फिर आमको क्लू दिगला ना रात्रि को कहीं एमती डेस्क्राइब कराई रात्रि को कहीं एमती वर्णना कराई फिर आमको क्लू दिखाई कंस्ट्रक्ट कंट्रास्ट बिटवीन फादर गिलिगन व्हेन वेक एंड व्हेन एस्लिप। तो ये फादर गिलिगन केतेबेले उठिले आ केतेबेले सोइले से कथा को मध्य मेंशन करो बोली हम कहि छी। तो हमें आंसर लिखा आमर आंसर हम द नाइट केम एंड डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड। द नाइट केम एंड डिपार्टेड क्वाइटली विथ नो साउंड नो फ्यूज। तो राति आसला एवं प्रस्थान कला नीरवरे राति आसला एवं राति चलीगला केमती विथ नो साउंड बिना कौन शब्द रे नो फ्यूज कि बिना कौन ये फ्यूज मान कौन पे मैंने कोलाहल फ्यूज मान कोलाहल बिना कौन शब्द से बिना कौन कोलाहल राति आसला और राति चलीगला। दिस इज द रीजन व्हाई द फादर फेल एस्लिप ऑन ए चेयर। तो ये तार कारण थी जहाद्वर कि फादर तांकर चेयर में सोईगले। ओके, देन क्वेश्चन नंबर फाइव थी आमर व्हाई वाज द सॉरी व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ फादर गिलिगन व्हेन ही वॉक अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप। तो फादर गिलिगन का रिएक्शन कौन थी जितेबले से गभीर निद्रा उठिले जितेबले से गभीर निद्रा उठिले से फादर गिलिगन का रिएक्शन कौन थी स्टेट व्हाई ही फेल्ट सो। ये दर्शाओ कहीं सेमती अनुभव करुले। तो पे यार आंसर हम व्हेन ही वॉक अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप। व्हेन ही वॉक अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप फादर गिलिगन फेल्ट टेरिबली सैड। जेतेबेले से तांकर गभीर निद्र उठिले फादर गिलिगन भयंकर भाव दुख अनुभव करुले बिकज कारण द सिक मैन हि हाड टू अटेंड वुड बी नो मोर। ता कारण थिला जे से सिक मैन से रोगीणा लोक से दुर्बल लोक जहाँ अटेंड करिवार थिला से आउ बंची नथिबो वुड बी नो मोर से आउ जीवित नथिबो सेतिपई से दुखित हेथिले। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सिक्स अछि जार किसी भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेंशन कर मु ट्राए करी तुम कमेंट रो रिप्लाय देवाई। ओके, ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड। ये गोटे एक्सप्रेशन थिला ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड यार मीनिंग कौन बोली पचराई आम पॉइम पढ़ला बेले पिला तो मन थी आम एक्सप्लेनेशन वीडियो रे कहा था ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड यार मीनिंग कौन। तो यार मीनिंग हूँ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड। जो एक्सप्रेशन रहिला ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड मीन्स तार अर्थ हेउची पीटर गिलिगन्स फास्टेस्ट राइड एवर एवर। तो से हूँ पीटर गिलिगन कर सबुठारु द्रुततर अश्वचालना। जो एक्सप्रेशन आम पढ़िले ही रोड नाउ एज ही नेवर रोड तार अर्थ हूँ पीटर गिलिगन कर सबुठारु द्रुततर अश्वचालना। ठीक अच्छे, देन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे हमर क्वेश्चन नंबर सेवेन फाइंड द एक्सप्रेशन दैट शो फादर गिलिगन्स कंसर्न फॉर द पीपल अंडर हिज केयर। तो ये गोटे एक्सप्रेशन जो कहाई गोटे एक्सप्रेशन खोजिक बाहर कर दैट शो फादर गिलिगन्स कंसर्न जहाँकि फादर गिलिगन कर चिंता को सूचित करुच्छे फॉर पीपल अंडर हिज केयर जे तांकर जत्न रे थिबा लोक मानक प्रति केयर अंडर थिबा लोक मानक प्रति तांकर जो कंसर्न अच्छी कंसर्न मान चिंता अच्छी। ठीक अच्छे, फादर गिलिगन कर तो तुमको हाई से एक्सप्रेशन गुड़ाक बाहर कर एगेन कहूँ क्वेश्चन कहीदे
फाइंड द एक्सप्रेशन दैट शो फादर गिलिगन्स कनसर्न फर दि पीपुल अंडर हिज केयर। ये जो पोएम आम पढ़ी किसी एक्सप्रेसन थिला से पोएम रु से एक्सप्रेसन गुड़ाक लेख जहाँ कि फादर गिलिगन लोक मान प्रति केयर को लेकिन चिंता को लेकिन रही आई एक्सप्रेसन गुड़ाक मेनसन कर बोली कहगला। फिर एम क्लू दिगला आटलिस्ट फोर एक्सप्रेसन मान फादर गिलिगन लोक प्रति चिंता अच्छी एमती आम कौ एक्सप्रेसन गुड़ाक सूचित करुच्छे से पोएम रु आम लिखा तो आम आंसर लिखा आम आंसर हम द एक्सप्रेसन्स दैट शो फादर गिलिगन्स कनसर्न फर दि पीपुल अंडर हिज केयर आर जो से एक्सप्रेसन गुड़ाक जहाँकि फादर गिलिगन लोक मान प्रति चिंता को व्यक्त करुच्छे से एक्सप्रेसन गुड़िक हूँ फास्ट एक्सप्रेसन है एंड रोड विथ लिटिल केयर ये हूँ फास्ट एक्सप्रेसन बुक थिला। सेकेंड एक्सप्रेसन हूँ हि रोड नाउ एज हि नेभर रोड ये सेकेंड एक्सप्रेसन। थर्ड एक्सप्रेसन हूँ एंड इज द पुअर मैन डेड ही क्राइड ये हूँ थर्ड एक्सप्रेसन। देन फोर्थ एक्सप्रेसन हूँ इन ग्रीफ स्वेड टू एंड फ्रो ये हूँ फोर्थ एक्सप्रेसन। तो जमी क्लू दिखाई आम चारिटा एक्सप्रेसन लिखिले जहाँ कि फादर गिलिगन लोक मान प्रति चिंता को व्यक्त करुच्छे। ठीक अच्छे एवं देखा क्वेश्चन नंबर एट व्हाई डिड द सिक मैन्स वाइफ से फादर यू कम अगेन कहीं सिक मैन वाइफ कहला कि फादर यू कम अगेन बोली कहीं कहला। तो तार आंसर हम द सिक मैन्स वाइफ सेड फादर यू कम अगेन सिक मैन वाइफ कहला कि फादर यू कम अगेन जी फादर तुम्हें पुणी थे आसीगल। ओके द सिक मैन्स वाइफ सेड फादर यू कम अगेन जे से रोगीणा लोकर स्त्री कहला जे फादर तुम्हें पुणी थे आसीगल बिकज कारण सी हाड सीन हिम कम टू हर हजबैंड कारण से देखी से तार हजबैंड पाखक आसी हू डायड सुन आफ्टर ही लेफ्ट द हाउस जी कि घर से घर छाड़ी गला बहुत शीघ्र मरी जाइए। ठीक अच्छे एगेन कहे पे कहला द सिक मैन वाइफ सेड फादर यू कम अगेन सिक मैन वाइफ कहला फादर तुम्हें पुणी थे आसीगल कारण सी हाड सीन हिम कम टू हर हजबैंड हू डायड सुन आफ्टर ही लेफ्ट द हाउस कौन पाई ना से देखी थिला जे से तार हजबैंड पाखक आसी कि से चली गला जहाँ डेथ होता। ठीक अच्छे तेणु से सिक मैन वाइफ कहला फादर यू कम अगेन बोली कहला जे फादर तुम्हें पुणी थे आसिल बोल कि से पचारा। देन पे मैंने नाइन नंबर आम क्वेश्चन दिगला हु केम टू द सिक मैन बिफोर इज डेथ एंड व्वे किए से सिक मैन पाखक आसी तार मृत्यु पूर्वर आई आसी तो तार आंसर हम वन ऑफ गॉड्स ग्रेट एंजल्स केम टू द सिक मैन बिफोर इज डेथ तो गॉड कर भगवान को जने ग्रेट एंजल जने महान देवदूत से सिक मैन पाखक आसी तार डेथ पूर्वर। ओके ही हाड कम इन द गुइस ऑफ पीटर गिलिगन से केमती आसते ही हाड कम इन द गुइस ऑफ पीटर गिलिगन से पीटर गिलिगन गुइस आसते गुइस मान हूँ छदम बेश ही हाड कम इन द गुइस ऑफ पीटर गिलिगन टू अटेंड हिम इन हिज सिक बेड जे तांकर से रोगे पड़ा बिछण से सेजरे साय करने से पीटर गिलिगन छदम बेसर आसी टू परफर्म फादर्स ड्यूटी फादर ड्यूटी को फादर कर्तव्य को कौन करवाई परफर्म करने से गुइस आसकर छद बेसरे आसी गॉड किए गॉड जन ग्रेट एंजेल भगवान को जन महान देवदूत। देन क्वेश्चन नंबर टेन अच्छी ह्वाट मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे माने फादर गिलिगन कहीं आंठूमाड़ी बस पड़ा प्रार्थना कले तो तार आंसर हम दैट गॉड हैड हेल्प हिम व्हेन ही नीडेड रेस्ट मोस्ट मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे तो तार आंसर हम जे फादर गिलिगन कहीं फादर गिलिगन कहीं आंठूमाड़ी बस पड़े और प्रार्थना कले तो तार उत्तर हम दैट गॉड हैड हेल्प हिम व्हेन ही नीडेड रेस्ट जे भगवान तांकु साहय कले जेतेबले से विश्राम चाहूले मोस्ट मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे ये फादर गिलिगन को अनुप्राणित करूमाड़ी बसिक प्रार्थना करें कौन से जिनस जेतेबले से विश्राम दरकार करुले से भगवान तुमको साहय करते से आंठूमाड़ी बसिक प्रार्थना कले। ठीक अच्छे देन क्वेश्चन नंबर इलेवेन अच्छी व्हाट आर हिज वर्ड्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड भगवान को प्रति तांकर कृतज्ञता से भगवान को जो कृतज्ञता ज्ञापन करते कौन कौन सब कही
ह्वाट आर हिज वार्डस अफ ग्राटिट्यूड तर वार्डस अफ ग्राटिट्यूड गुड़ाक कौन कौन कृतज्ञतापूर्ण शब्द गुड़िक कौन कौन थी फादर गिलिगान तो तार आंसर हम हिज वार्डस अफ ग्राटिट्यूड टू गॉड आर दैट हिज वार्डस अफ ग्राटिट्यूड टू गॉड आर दैट तर भगवान प्रति कृतज्ञतार शब्द गुड़िके He who took care of all things of the vast universe never forgot to relieve a poor priest like him. तो ठीक कौन हम ने he who took care of all things of the vast universe जे से जे कि इस विशाल यूनिभर्स रे vast universe ये जो समग्र विश्व रे जे कौन कहते took care of all things सब जिनस गुड़ाकर जत्न नहीं था never forgot to relieve a poor priest like him से केवे भूली नथिले कि तांको भली जने पुअर प्रीस्ट को रिलीफ दबारे तांको भली जने गरीब बिचारा प्रीस्ट पुजारी को विश्राम दबारे देबाकू से केवे भी भूली नथिले किए ना भगवान ठीक अछि देन क्वेश्चन नंबर 12 अछि देयर इज एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन हेवनली क्रिएचर्स एंड बॉडीज तो एट गोटे कंपैरिजन अछि हेवनली क्रिएचर्स आउ बॉडीज मानक भितर जेमति कि एंजल्स प्लैनेट्स एटसेट्रा एंड देयर टायरलेस मूवमेंट विथ एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन ऑन अर्थ एंड हिज इनएक्शन ओके आज टायरलेस मूवमेंट को लेकिन ये कंपेरिजन होमती कि ये स्लीप नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ पीपल इन टाइम ये सब जिनस को लेकिन तो डिस्कस दि कंपेरिजन ये कंपेरिजन को आम डिस्कस करवा तो तार आंसर हम दिस कंपेरिजन स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर गॉड्स गुडनेस टू ऑल ये जो कंपेरिजन अच्छी ये भगवान गुडनेस को समस्त को या द्वारा भगवान जो गुडनेस अच्छी भगवान जो भल गुण सब अच्छी ठीक अच्छे भगवान करुणा अच्छी से जिनस को दर्शा दिखाई दिस् कंपेरिजन स्पीक्स वॉल्यूम फॉर गॉड्स गुडनेस टू ऑल भगवान गुडनेस को समस्त सामना कौन आई ही मेंशन ए ग्रेट बैलेंस इन हिज क्रिएशन से कौन करती से मैंने किए भगवान कौन करती मेंशन ए ग्रेट बैलेंस इन हिज क्रिएशन क्रिएशन में सृष्टि में गोटे बड़ नियंत्रण से सृष्टि कर दि हेल्प ही बेस्टर्ड ऑन पीटर गिलिगान इज ए कैश इन पॉइंट तो तार गोटे एग्जांपल नहीं पार्बा से कमी पीटर गिलिगान को हेल्प करते साय करते से तार गोटे केस आम नहीं पार ठीक अच्छे ये से इम्पोर्टाट क्वेश्चन नुहे ये क्वेश्चन एमती क्वेश्चन केवे एग्जाम आसवन ये क्वेश्चन नोट सो इम्पोर्टाट से इम्पोर्टाट नुहे तो फिर भी तुम्हें लिखी नहीं थो तेरे क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी ह्वाट क्वालिटीज अफ फादर गिलिगान डू यू आडमायर फादर गिलिगान कौ क्वालिटीज कौ गुण को तुम्हें प्रशंसा कर तो आंसर हम वी आडमायर फादर गिलिगान्स कीन सेन्स अफ ड्यूटी आम फादर गिलिगान कर्तव्य प्रणाली को प्रशंसा करूँ डीप कनसर्न फर दि सिक मैन ठीक अच्छे आउ सिक मैन प्रति से जो रोगीणा लोक प्रति डीप कनसर्न गभीर चिंता को आम प्रशंसा करूँ आउ कौन एंड अनफ्लिंचिंग डेभसन टू गड आ भगवान प्रति अत्यधिक भक्ति को आम प्रशंसा करूँ तेन आमको 14 नंबर क्वेश्चन कहगला नॉट ईच स्टांजा हैज फोर लाइन ये लक्ष्य कर जे आम पोएम देख तुम समस्ते जे प्रत्येक स्टांजा चार्टा लाइन अच्छे इन स्टांजा वन आम देखिले डे इन द फर्स्ट लाइन राइम विथ ले ऑफ द फोर्थ लाइन मेकिंग द राइमिंग स्कीम ए बी सी बी आम देखिले पे जे चार्टा लाइन अच्छी स्टांजा चार्टा लाइन आम देखिले स्टांजा वन तुम देखि डे अच्छी फर्स्ट लाइन डे रहा और फोर्थ लाइन ले रोचे ये दुटा राइमिंग कर पोएम गोटे पोएट्री लिखागला मैंने राइमिंग स्कीम किसी थाए तो राइमिंग स्कीम ये हूँ ए बी बी ए सॉरी ए बी सी बी ये राइमिंग स्कीम हूँ ए बी सी बी अच्छी ओके जमती डे आ ले डे एंड ले ये दुटा राइमिंग कला से हीपरी तुम कहगला क्वेश्चन में फाइंड आउट वेदर ऑल दि स्टांजर्स हाव द सेम राइमिंग राइम स्कीम जे ये तुम्हें खोजिक बाहर कर जे सब स्टांजा गुड़ाक से सेम राइमिंग स्कीम अच्छी ना नहीं तो तुम जो देख पे जापर तुम लिख येस ऑल स्टांजाज हाव द सेम राइमिंग पैटर्न और राइमिंग स्कीम जे हाँ सब स्टांजा गुड़ाकर से समान राइमिंग स्कीम अच्छी और से समान राइमिंग पैटर्न अच्छी ठीक अच्छे तुम देख तुम लक्ष्य कर समस्त से समान राइमिंग पैटर्न अच्छी ए बी सी बी ओके ए बी सी बी पैटर्न में टोटल पोएम ही अच्छे तो पिलाने क्वेश्चन ये कम्प्लीट हो गला ये जो तुम पी डी एफ पढ़ाऊँ ये मुझे तुम एग्जाम जी इम्पोर्टाट जिनस ये क्वेश्चन से गुड़ा तुम एग्जाम बहुत जरूरी
ठीक अच्छे एग्जाम रे डायरेक्टली इट भी क्वेश्चन बहुत गुड आसी जाए हाउ ए पोएम भी बहुत इंपोर्टेंट तुम फाइनल एग्जाम पई सो या को भलो कि देख लेख पढ़ी नि तुम या को जे 2-3 थर देखिनो वीडियो को तबे भी तुम जो क्वेश्चन आंसर अछि कंप्लीट हे जइबो ओके पिला माने थैंक यू ऑल थैंक यू वेरी मच।